बात होगी हापुड़ की जन समस्याओं की, जन सरोकारों की, सरकारों की, जनता के अधिकारों की, हापुड़ के इतिहास की, यहाँ के विकास की, हापुड़ की हर छोटी बड़ी खबर से हम कराएंगे आपको रूबरू। अब हर हलचल पर होगी हमारी नजर। देखते रहिए हापुड़ हलचल, आपका अपना चैनल। गंगा मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने भेजा एनडीआरएफ को, एनडीआरएफ ने संभाली अपनी कमान। आपको बता दें, गढ़ मेले में गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 11 एनडीआरएफ वाराणसी से 2 टीमों को भेजा गया है। ये दोनों एनडीआरएफ की टीमें लगातार घाटों पर मुस्तैद है। श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पूरे परिवार सहित आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी हैं। श्रद्धालुओं को स्नान करने के दौरान किसी के भी डूबने जैसी कोई घटना ना घटे, उसके लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार गंगा के घाटों का दौरा कर रही है। साथ ही गहरे पानी में ना जाने के निर्देश भी दे रही है, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। 11 एनडीआरएफ वाराणसी के इंचार्ज जगदीश राणा का किया कहना, आइए सुनते ही बात गई है। मैं इंस्पेक्टर जगदीश राणा, 11 एनडीआरएफ वाराणसी से। हमारे यहाँ पर इस गढ़ मुक्तेश्वर में, गढ़ मेले में तैयारी इस प्रकार से है कि हम लोग बनारस यहाँ आए हैं। हमारे इस मेले के दौरान जो मेन ड्यूटी है घाटों को लेकर है, यहाँ पर जो जनता यहाँ पर स्नान करेगी, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोई किसी भी तरह कोई आपात स्थिति बनती है या कोई डूबने की नौबत आती है किसी भी तरह की, उस स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। हमारे साथ प्रशिक्षित गोताखोर, हमारे स्विमर्स, हमारे डीप डाइवर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे पास IRB बोट्स हमारे पास मौजूद हैं, और साथ ही साथ नाइट ऑपरेशंस के लिए हमारे पास उपयुक्त संसाधन है, और पूरी तरह से हमारी टीम यहाँ पर मुस्तैद है। श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? श्रद्धालुओं के लिए मेरी यही गुजारिश है कि इस पर्व को जो बड़े श्रद्धा से मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे, लेकिन इस बीच में सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, जो नदी किनारे नहाने आते हैं, स्नान करने आते हैं, एक तो गंगा की साफ सफाई का ध्यान रखें, उसे खराब ना करें, कोई कचरा प्लास्टिक वगैरह यहाँ पर ना डालें, और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी पर यहाँ जहाँ पर प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग बनाई गई है, उसी क्षेत्र में स्नान करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अपनी श्रद्धा को कायम रखें। आरएफ के इंचार्ज निर्देश देने के बाद भी श्रद्धालुओं ने गहरे पानी में जाकर स्नान किया, जिसमें मेरठ सेक्टर में एक युवक की डूबने की सूचना एनडीआरएफ को, तभी एनडीआरएफ और पीएसी की संयुक्त टीम ने मिलकर सर्च अभियान चलाया और बड़ी मशक्कत के बाद युवक खोज निकाला। एनडीआरएफ ने पुलिस की सहायता से युवक का शरीर युवक के परिजनों को सौंप दिया। कैमरा मैन ममता के साथ एडिटर इन चीफ चंदन सिंह की रिपोर्ट।